छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर जिले में एक युवक को पुरानी बोतलों का शौक उस समय महंगा पड़ गया जब वो इसकी तलाश में षड्यंत्र के तहत अपहरण और लूटपाट का शिकार हो गया। बताया जा रहा है युवक पुराने जमाने की कांच की बोतल की तलाश में था और आरोपी ने युवक को षड्यंत्र बनाकर अपने पास बुलाया और कार में बैठाकर युवक और उसके एक साथी के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद युवक और उसका साथी आरोपियों के चुंगल से भाग निकले और आरोपी ने कार में रखी खाली चेक में 3,06,000 रुपये अंकित कर पैसा ट्रांसफर करा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत प्रतापपुर थाने में की और पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। थाना प्रतापपुर के अपराध क्रमांक 22/22 धारा 294, 506, 323, 392, 394, 365, 120 की और 34 IPC में आज चार आरोपियों को जो है रिमांड में भेजा गया है। वो आरोपी क्रमशः कैलाश विश्वकर्मा निवासी पलमा और इंद्रदेव राजवाड़े, भूपेन्द्र कुमार और राजकुमार, ये तीनों जो है सतीपरा के रहने वाले हैं। घटना है दिनांक 20 जनवरी 2022 की, जिसमें कि प्रार्थी, इस प्रकरण का प्रार्थी जो है वो संदीप गिरी, वो एक उसको जब पता चलता है कि एक कांच की बोतल है जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई विशेष चमत्कारिक शक्ति है, और ये बात जो है इसमें प्रकरण के जो आरोपी हैं कैलाश विश्वकर्मा उसके टच में आता है, उससे जब बात करता है तो बोलता है कि कांच की बोतल है, उसमें से जो है काफ़ी सारे चमत्कार होते हैं। और इसके बाद में जो प्रार्थी है संदीप गिरी, वो रेडिको कार में, उसकी एक रेडिको कार रहती है निशान कंपनी की, और उसके साथ में जो है वो निकलता है। प्रार्थी के साथ में उसका दोस्त संदीप गिरी भी रहता है, और घटना दिनांक की रात को जो है वो पौड़ी के पास में, क्योंकि आरोपी कैलाश विश्वकर्मा अपने तीन अन्य आरोपियों के संपर्क में रहता है, साथियों के संपर्क में रहता है, उनको बुलाता है और इस चमत्कार शक्ति का बहाना दिखाते हुए जो है वो उसके प्रार्थी के साथ में और उसके दोस्त संदीप के साथ में मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद में उनको जो है अपने साथ में जो बोलेरो कार में उसके दोस्त रहते हैं उसमें बैठा करके कहीं देहात गांव में लेकर के जाता है, और साथ ही साथ जो है उसकी जो डेटसन रेडिको कार रहती है निशान कंपनी की, उसकी उसको भी वो जो है घटना दिनांक को लूट करके ले जाते हैं। तो प्रार्थी के द्वारा जो है इस बात का आवेदन जो है थाना प्रतापपुर में पेश करने पर जो है अपराध कायम किया जाता है, और आरोपी की पता तलाश जो है लगातार वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में की जाती है, और फिर जो है पुलिस को सफलता मिलती है और चार आरोपियों को जो है आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाता है।